हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे आज की रीडिंग। और रीडिंग रहने वाली है एक डिफरेंट टॉपिक पे। लाइक मैंने लव रीडिंग बनाई है 2024 के लिए, सभी जोडियक्स की डिटेल्ड लव रीडिंग बनाई है। उन लव रीडिंग्स पे के रिगार्डिंग मुझे ढेर सारे मैसेज आए हैं, पर्सनली भी आए हैं और कमेंट सेक्शंस के थ्रू भी आए हैं, कि मैं जो भी 2024 में आपके करंट पार्टनर हैं उनके रिगार्डिंग जो भी न्यू पर्सन लाइफ में आया है, और 2024 में काफ़ी लोगों की लाइफ में ना न्यू पर्सन आए हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि वैलेंटाइन के आसपास या कि फरवरी में काफ़ी लोगों को नए प्रपोजल्स मिले हैं, काफ़ी लोगों ने नए लोगों को प्रपोज किया है। क्योंकि बहुत सारा इस तरह का एस्पेक्ट आपके कार्ड्स के थ्रू भी आया था कि न्यू पर्सन की एनर्जी थी आपके अराउंड, तो उसके रिगार्डिंग ढेर सारी रिक्वेस्ट आई हैं कि मैं एक रीडिंग रेडी करूँ जिसमें कि वो जो करंट पार्टनर है, करंट जो न्यू पर्सन है, बेसिकली न्यू पर्सन जो आपकी लाइफ में एंटर किया है, इसका क्या रहने वाला है आपकी लाइफ में ना, क्या रोल प्ले करेगा, कैसी एनर्जी होगी, ठीक है, किस किस तरह का सब कुछ रहेगा। इस रिगार्डिंग ये रीडिंग है। ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है और टाइम फ्रेम में बंधी हुई रीडिंग नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है, क्योंकि इसे आप कभी भी देख सकते हैं और रिलेट कर सकते हैं। और क्योंकि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ये भी हो सकता है कि इसकी हर एक बात आपको अपील ना करे। जितना पार्ट आपको अपील करे, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करे, उतना ही आप रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। जो भी करंट पार्टनर है डिवाइन मेरे सोल ट्राइब का, उनके रिगार्डिंग थोड़ा सा हमें गाइडेंस दें कि उनका एनर्जी कैसा है। अभी हम ना उस इंसान की सिर्फ एनर्जी रीड कर रहे हैं। कार्ड्स देख लेते हैं हम। थ्री ऑफ सोर्ड्स, इंटरेस्टिंग। सीरियसली वाला है, इंटरेस्टिंग। एस ऑफ पेंटिकल्स, गुड, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स, गुड। सो गाइज, आपके सामने ही कार्ड्स हैं और आपके सामने ही अभी हम रीड करेंगे इनको और समझेंगे। और अगर आप टैरो की थोड़ी बहुत समझ रखते हैं, कार्ड्स को पहचानते हैं, कार्ड्स को समझते हैं, एनर्जी के लिए मैंने यहाँ पे चार कार्ड निकाले हैं और पहला ही कार्ड आया है थ्री ऑफ सोर्ड्स। जो भी ये इंसान है गाइस, लड़की है, लड़का है, जो भी आपका रिस्पेक्टिव जेंडर है उसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा, जो भी ये नया इंसान आपकी लाइफ में आया है या आई है, भाई इसको भी बहुत सीवियर टाइप का ना हार्ट ब्रेक हो चुका है। मतलब ये भी बहुत ज्यादा ना ब्रेकअप्स वगैरह से गुजर के आए हैं, ठीक है। और टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आपका रिश्ता ग्रो होगा, क्योंकि क्या होता है ना, इंसान को खुलने में टाइम लगता है एक दूसरे के साथ, एकदम से कोई अपने दिल की बात, अंदर के राज और दिल के घाव खोल के नहीं दिखाता है, तो हो सकता है कुछ टाइम के बाद आपको ना क्यूज मिलने लगे, इस तरह की बातें हों, इस तरह की बात हो कि आपको समझ में आए कि इस इंसान के दिल में भी ढेर सारा दर्द छुपा हुआ है। इसका भी एनर्जी फील्ड इस तरह का है कि ये भी ट्रॉमेटाइज्ड है, डीपर लेवल पे, और मतलब बहुत डीप लेवल का ट्रॉमा इन्होंने भी लव लाइफ में कहीं ना कहीं झेला है। इनके रिलेशनशिप्स भी बहुत टॉक्सिक रहे हैं और बहुत ज़्यादा झेल के, बहुत ज़्यादा दर्द को सहन करके ये इंसान भी आया है पास्ट में। ये इसका पास्ट है और धीरे धीरे जब आप लोग एक दूसरे से ओपन अप होंगे तो ये इंसान आपको इस चीज़ के बारे में बताएगा, अपने पास्ट ट्रोमाज के बारे में, पास्ट लव अफेयर्स के बारे में, या पास्ट में जो भी इतना दिल में दर्द हुआ है, इतने पेनफुल ब्रेकअप्स हुए हैं, इन लोगों के भी कहीं ना कहीं पेनफुल ब्रेकअप्स हुए हैं। इस तरह का यहाँ पे एनर्जी है। तो ये तो है इनका पास्ट, ये इनका पास्ट है, और पास्ट से कभी भी प्रेजेंट नहीं चलता है, और पास्ट से कभी भी हम फ्यूचर को डिपिक्ट नहीं कर सकते हैं कि पास्ट ऐसा था तो फ्यूचर ऐसा ही होगा, क्योंकि फ्यूचर हमेशा ही पॉसिबिलिटीज में होता है। और ये इनका पास्ट है लव लाइफ का, ठीक है, और टाइम के साथ आपको या तो इन्होंने बता दिया होगा या ये बता देंगे आराम से, कोई छुपाने वाली बात नहीं होगी। इतना एनर्जी से मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना
किंग ऑफ कप्स भी आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है और एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। तो सबसे पहले ना मैं इस वाले कार्ड को एक्सप्लेन करूंगी। सो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, क्योंकि हम अभी पर्सन की एनर्जी रीड कर रहे हैं, एनर्जी किस तरह की है, एक ऐसा इंसान जिसने धोखा खाया, बिट्रेयल में रहा, जिसको उसके पार्टनर ने कहीं ना कहीं ब्रेकअप हुआ, धोखे दिए, परेशान किया, जिसे कह देना दिल में खंजर घोंपना। एक होता है पीठ में खंजर घोंपना, यानी कि पीछे से धोखा देना कहीं ना, लेकिन एक होता है दिल में खंजर घोंपना सामने से, जिसे कहते हैं चोरी और सीना चोरी, वो वाला इनके साथ विचारों के साथ हुआ है। सो ये इनकी एनर्जी लेकिन करंटली ऐसी है कि इन्होंने उस चीज पे काम किया है, ठीक है, इन्होंने अपने जख्म को ना भरा है। हाँ, जख्म है, उसके स्कार मार्क्स वहां पे हो सकते हैं, स्कार टिश्यू वहां पे हो सकता है, लेकिन इन्होंने उस पर काम किया है और इन्होंने अपनी एनर्जीज को इम्प्रूव किया है। और ये एक ऐसे इंसान नहीं है जो अभी भी ट्रॉमेटिक है, नहीं, इन्होंने अपने ट्रॉमा को हील किया है, ठीक है। सो चाहे पास्ट ऐसा मर्जी था, लेकिन इनका प्रेजेंट का एनर्जी ये है कि ये अपने दिल के राजा होना, और प्यार में बिल्कुल एक राजा की तरह आपको दिखेंगे। अगर 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 आप एक मेल हैं और इस तरह की रीडिंग को देख रहे हैं, तो ये हो सकता है आपके पार्टनर का डिवाइन मैस्कुलिन हो, ठीक है। सो इस तरह से आप देखिएगा, जरूरी नहीं है कि लड़के हैं और किंग आया है तो नहीं कि अपने मतलब की तो कोई बात नहीं है इसमें, नहीं, ऐसा नहीं है। सो कहीं ना कहीं अपनी इमोशंस पे काबू करना, अपने इमोशंस को हील करना और इमोशंस को बैलेंस करना कहीं ना कहीं, तो इस तरह का ये एस्पेक्ट इस इंसान की एनर्जी में है। तो ये एक इंसान, एक अच्छा इंसान है, यहां से जो एनर्जीज की पिक हो रही है कि हाँ प्यार करेगा, प्यार देगा, प्यार मांगेगा, ठीक है। तो प्यार में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और दो कार्ड इतने अच्छे इस इंसान की एनर्जी में आए हैं, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है। और इसमें आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि इस इंसान के आपकी लाइफ में आने के बाद, क्योंकि इसकी एनर्जी है ये कि ये इंसान जहां भी जाएगा ना, तो ये डिवाइन का हैंड इसके साथ जाएगा कहीं ना कहीं। कि ये पेंटिकल्स होते हैं सुख समृद्धि, हाँ, जिसे कहते हैं ना सांसारिक जितने भी सुख हैं हमारे, पैसा, रुपया, धन दौलत, घर, गाड़ी, बंगला, भाई, जितने भी आप नाम ले सकते हैं, ठीक है। और शादी का सुख भी उसी में आता है कहीं ना कहीं, बच्चों का सुख, परिवार का सुख, तो जितने भी अर्थली प्लेजर हैं, अर्थली कंफर्ट्स हैं, वो इस इंसान के ऑरा में है, क्योंकि डिवाइन का हाथ इसके साथ है। तो कहीं ना कहीं एक वर्ड होता है बरकत, कि इस इंसान के ओरा में ना, इसकी एनर्जी में, एनर्जी इज ओरा, सो इसके ओरा में ना कहीं बरकत है। ये जहां भी जाएगा ना बरकत लेके आएगा। सो इसके एनर्जी का ये फील्ड है कि मतलब इसकी फेमिनिन एनर्जी बहुत ज्यादा इन्वोक्ड है, बहुत अच्छी है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। अब ये चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन डिवाइन फेमिनिन और कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन दोनों यहाँ पे बैलेंस्ड हैं, क्योंकि इन्होंने काम किया है अपने ऊपर, और ढेर सारी बरकत, ढेर सारी रहमत कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ये लेके आएगा, यानी कि परिवार के थ्रू। और आप इस इंसान को ना, मतलब इसकी एनर्जी फील्ड इतना अच्छा है कि फाइनल मान सकते हैं इसको, क्योंकि ये हील्ड है, ये हर्ट नहीं है, चाहे इसे किसी ने जितना मर्जी हर्ट किया हो, पर इसने खुद को हील किया है। और ये रिलेशनशिप में ना एक बिल्कुल फ्रेश किंग वाली एनर्जी के साथ आएगा, रोंदू रोंदू बन के नहीं आएगा कि हाँ इसको भी हील होना है, आपको परेशान करेगा, आपकी लाइफ में आके ड्रामा करेगा, नहीं, इस तरह का एस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि ये कोई ट्विन फ्लेम नहीं है, कहीं ना कहीं एक अच्छा इंसान है, और अगर आप कोशिश करेंगे तो सोलमेट बन जाएगा, एक बहुत अच्छा इंसान जिसको आप चाहेंगे तो सोलमेट बना सकते हैं, ठीक है। और मेरी आपसे गुजारिश है कि इसके साथ ना वो चीजें आप भी मत कीजिएगा जो इसके साथ पहले हुई हैं, और कहीं ना कहीं आपने इसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है, ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी है, करंट इनका ऑरा है, तो कहीं ना कहीं अगर इनको आपने अट्रैक्ट किया है, तो कहीं ना कहीं आप भी इसी लेवल पे मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। अब इनके बारे में ना और इन्फॉर्मेशन हम लेंगे, अभी तो हमने सिर्फ इनकी एनर्जी रीड की है, ठीक है। तो आप किसी को भी अपने मन में रख के, जिनके बारे में रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, भगवान से प्रेयर कर सकते हैं, देने वाले वो भगवान ही हैं, ठीक है। अब हम करेंगे इनकी फाइनल रीडिंग, आपके रिगार्डिंग कैसा रहेगा, ठीक है, आप दोनों का आपस में कैसा रहेगा, ठीक है। सो इसके रिगार्डिंग देख लेते हैं। ओके ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, गुड, फाइव ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स,
The fool, good. The magician, wow. I mean wow, ठीक है. So ये बड़ी अच्छी सी energy है. अब इसको थोड़ा सा ऐसे रख लेते हैं. और ये card कहाँ से belong करता है, इनको ना हम साथ में ही रख देते हैं. ये वाले कार्ड एक जगह रखेंगे और ये वाले कार्ड एक जगह रख लेते हैं. सो गाइज, यहाँ पे ना कुछ इस तरह से है आप लोगों का. अब क्योंकि आप लोग साथ में हैं और एक दूसरे के साथ रहना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं परमानेंट बेसिस पे इस रिलेशनशिप को देख रहे हैं, इतना मैं पिक कर पा रही हूँ कि ये जो अनमैरिड कपल्स के लिए ही मोस्टली ये रीडिंग है, जो एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, जो लाइफ में अब एक रिलेशनशिप को नाम देना चाहते हैं, सेटल डाउन होना चाहते हैं उस इंसान के साथ. सो उस रिगार्डिंग अब ये रीडिंग रहने वाली है, क्योंकि इस इंसान की एनर्जी का फील्ड तो आया है बहुत ही अच्छा, ठीक है. सो इसमें ढेर सारी चीजें हैं आप लोगों के केस में ना, और ये आप दोनों का थोड़ा सा ना कंबाइंड आएगा. कहीं ना कहीं आप भी गाइस एक ऐसे रिलेशन में से निकल के आए हैं जहां पे आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया गया है, ठीक है. क्योंकि अब ये आप दोनों का आएगा इसमें, और उनको भी बहुत मैनिपुलेट किया गया है. उनका तो कार्ड सबसे पहला ही इतना खतरनाक वाला आ गया था कि सारी कहानी उनकी बता दी कहीं ना कहीं. सो ढेर सारा आपको भी मैनिपुलेट किया गया है, ब्रेन वॉश किया गया है, और उनको भी किया गया है. ढेर सारे ऐसे लोग थे आपके पास. तो गाइस क्या है कि हो सकता है आपका भी किसी से ब्रेकअप हुआ हो कभी, ठीक है, और हो सकता है इन्हीं लोगों ने कराया हो, और इस तरह के ही लोग ये जो करंट पर्सन आपकी लाइफ में आया है इस बेचारे के पास भी हो. तो देखिए, चाहे आप जहां मर्जी से गुजर के आ गए हैं, जहां मर्जी हैं, इस तरह के लोग आपकी रिलेशनशिप में अब भी आएंगे. जब भी आप किसी के साथ रिलेशनशिप जोड़ेंगे ना, तो ये लोग ना दोबारा से, जैसे कहते हैं ना, कहाँ कहाँ करने के लिए आएंगे वहां पे ना. तो ब्लैक क्रो की एनर्जी है यहाँ पे बहुत ज्यादा, तो नेगेटिविटी है आप लोगों के अराउंड, ठीक है. क्योंकि अब आप दोनों को ही मैं यहाँ पे पिक करके देखूंगी, क्योंकि आप दोनों के लिए रीडिंग हो रही है. सो आपको इन मैनिपुलेटिव लोगों से बचने की जरूरत है, और बेसिकली अपने रिश्ते को इनसे बचाने की जरूरत है. अब क्या करें, कैसे बचें, तो इस पे यहाँ पे एक टिप होती है. यंगस्टर्स का क्या रहता है, और खासकर अब तो खैर मैरिड लोग भी करते हैं इस चीज को, अनमैरिड लोगों का क्या रहता है कि जैसे ही कोई रिलेशनशिप शुरू हुई ना, फटाफट सोशल मीडिया पे उसको ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर देते हैं. यहां गए, वहां गए, ये खाया, वो पिया, ये शॉपिंग की. सो गाइस, ठीक है, लोग करते हैं, उनका चलता होगा, लेकिन आपके आसपास ना ईवल आई कह लीजिए, नजर लगना, नजर टोक होना कहीं ना कहीं, और ढेर सारे ईवल पीपल और मैनिपुलेटिव लोग जो आपकी खुशी से खुश नहीं है, बेसिकली जो आपकी खुशी से ना आज खुश है ना कल खुश होंगे. तो अगर आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे इसको पोस्ट वगैरह करोगे ना, तो फिर से वही बातें हो जाएंगी, नजर लगना टाइप्स चीजें हो जाएंगी. तो थोड़ा सा इस चीज को आप कम कीजिएगा, जिसे कहते हैं ना प्राइवेसी को थोड़ी सी अपनी लाइफ में रखिएगा. ज्यादा ना दिखाने की, शो ऑफ करने की लोगों को जरूरत नहीं है, ठीक है. जब रिश्ता पक्का हो जाए, सब कुछ हो जाए, तब सबको पता चल जाता है बड़े आराम से. तो बहुत ज्यादा जल्दी ना, जल्दी मत कीजिएगा कि हाँ स्टेटस क्या है, अब मेरा स्टेटस इन रिलेशनशिप है, ठीक है. ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा गुणगान करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. प्राइवेसी में अपना एंजॉय करें कि हाँ मेरी रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा है. जैसे हमारा फूड होता है, ठीक है ना, अब तो हम खैर फूड को भी सोशल मीडिया पे दिखाने लगे हैं. तो फूड को हम खाते हैं, ठीक है, उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, हमें अच्छा लगता है. सो ऐसे ही हमारी रिलेशनशिप होती है, वो प्राइवेट होनी चाहिए, ठीक है. बाकी आपकी जैसी मर्जी, जो मुझे पिक हुआ यहाँ पे मैंने बता दिया है. और यहाँ पे आपके पास फाइव ऑफ सोर्ड्स है, देन सिक्स ऑफ सोर्ड्स भी है, इनको मैं साथ ही, और टेन ऑफ सोर्ड्स भी है. सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है आप दोनों के केस में ना. अब आप दोनों के रिलेशनशिप के रिगार्डिंग इसको मैं पढ़ूंगी. अब यहाँ पे टेन ऑफ सोर्ड्स भी यही केस है आप दोनों का, कि कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक दोनों पार्टी के ही हुए हैं. हो सकता है आपने उनको ना बताया हो, और हो सकता है उन्होंने आपको ना बताया हो, ठीक है. लेकिन आप लोग एक दूसरे को बताइएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्ड जो टेन ऑफ सोर्ड्स आया ना, बहुत ज्यादा पास्ट को याद करते हैं आप दोनों ना. हील्ड है चाहे, लेकिन याद करते हैं. पास्ट टाइम टू टाइम ना आप लोगों के ऊपर हावी हो जाता है. आप ना चाहते हुए भी ना पास्ट में जो बुरा हुआ उसके बारे में सोचते हैं. तो अगर आप एक दूसरे को बता देंगे ना, तो हल्के हो जाएंगे बता के ना, कहीं ना कहीं. क्योंकि एक चीज को हम तभी बार बार सोचते हैं जब हमने वो किसी को अपने दिल का हाल बताया नहीं होता. एक बार बता देंगे, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है. सो इस तरह का आपका रिलेशनशिप का इस तरह से है कि आप एक दूसरे को बताएं, ठीक है. वो जो चिंताएं हैं, वो जो परेशानियां हैं, वो जब सोचते हैं और बहुत डिप्रेशन से में रहते हैं और परेशान रहते हैं कहीं ना कहीं. अभी आप दोनों ही परेशान रहते हैं कहीं ना कहीं और प्राइवेट रखते हैं इन चीजों को. तो यहाँ पे है कि आप एक दूसरे को बताएं, एक दूसरे के दिल का हाल लें, और दिल हल्का होगा एक दूसरे को बातें बता के कहीं ना कहीं.
और यहाँ पे एक चीज ये भी है, सिक्स ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है कि जैसे कहते हैं ना कि आप दोनों कहीं ना कहीं इस तरह से हैं कि पास्ट का है थोड़ा सा, कि इस तरह से रहे हैं कि चीजें आपको कहाँ ले जा रही हैं आपको समझ नहीं आया, बहुत कंफ्यूजन रहा है आप दोनों की लाइफ में ना। ये देखिए एक इंसान ना अपना बक्सा उठा के कहीं चल पड़ा है लेकिन उसे पता नहीं है वो कहाँ जा रहा है। सो दिशा का भ्रम बहुत रहा है, दशा का भ्रम बहुत रहा है, यानी कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या एग्जिस्ट करता हूँ मैं, क्या मेरे लिए है, ठीक है, मैं किसके लिए हूँ, मेरा कौन है, तो इस तरह का दिशा का भ्रम रहा है। सो ये कहीं ना कहीं है कि अब आप लोगों ने एक दूसरे को दिशा देनी है, एक दूसरे का हाथ थामना है, एक दूसरे को संभालना है कहीं ना कहीं, ठीक है। आप क्योंकि कार्ड्स हैं, कार्ड्स सेम ही होते हैं लेकिन उनका वाइब्रेशंस यहाँ पे डिफरेंट होता है। अब टेन ऑफ वोंड्स एक ऐसा कार्ड है, कहीं ना कहीं ये भी आप दोनों के पास्ट के ही रिगार्डिंग है कि एक युद्ध कहीं ना कहीं आप लोगों ने लड़ा है अपनों से, अपने खुद से, कहीं ना कहीं आप दोनों ही पार्टीज ने एक तरह का युद्ध लड़ा है, लड़के आए हैं आप कहीं ना कहीं, तो आप इन चीजों को समझेंगे, ठीक है ना। ये जो चार कार्ड मैंने पढ़े हैं ये कोई अजनबी नहीं है आप इन चीजों से, आप लोग भी इन चीजों से कहीं ना कहीं गो थ्रू हुए हैं, तो आप लोग इन चीजों को समझेंगे क्योंकि आप दोनों ही इन चीजों में अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग जगहों पे इन चीजों से गुजरे हैं कि ढेर सारा लड़ाई झगड़ा गलतफहमियां मिसअंडरस्टैंडिंग्स इस तरह की चीजें रही हैं, ठीक है। अब ये मैंने पढ़ दिया है नेगेटिव वाला एस्पेक्ट, क्योंकि हर इंसान के पास में साथ में ओरा में नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। अब आपकी रीडिंग का पढ़ेंगे हम पॉजिटिव वाला पार्ट। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले है यहाँ पे, अभी पेंटिकल वाला कार्ड बाद में लेंगे, अब सबसे पहले है यहाँ पे फूल। फूल का जो कार्ड है गाइज, बिलीव मी आई थिंक जब से मैंने रीडिंग्स को यूट्यूब पे डालना शुरू किया है, शूट करना शुरू किया है, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम फूल का कार्ड आया है। हमने सैकड़ों और सैकड़ों रीडिंग्स कर ली हैं, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम कि फूल का कार्ड आया है। और आई थिंक सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम होगा कि मजिशियन का कार्ड आया है। ये कार्ड्स इतने रेयर हैं और मेजर अरकाना हैं, और मेजर अरकाना का आना रीडिंग में एक बहुत बड़ी बात होती है, यानी कि लाइफ में बहुत बड़ी चीजें होती हैं ये अब जब ये कार्ड्स आते हैं। तो यहाँ पे द फूल का कार्ड आ जाना बताता है कि ये इंसान और आप चाहे जहां मर्जी से होके आए हैं, जितना मर्जी दिल दुखा है, जितना मर्जी दिल में दर्द है, जितना मर्जी कुछ सहा है, कहीं ना कहीं एक बिल्कुल ही फ्रेश एनर्जी के साथ आए हैं इस रिलेशनशिप में। पास्ट का कोई भी यहाँ पे चीज हावी नहीं होगी, और ये इनके ओरा के थ्रू, इनकी एनर्जी के थ्रू ही मैंने बोल दिया था कि बिल्कुल फ्रेश एस्पेक्ट के साथ आए हैं। पुराने दिल को दर्द को लेके रोएंगे नहीं, रू रू नहीं करेंगे। एक होता है ना इंसान की आपका भी जीना हराम कर देता है, कहीं ना कहीं जहन्नुम कर देता है जीवन को। आप कहते हैं कि यार मैंने किसको अपनी लाइफ में एंट्री दे दी, यार मैंने इससे क्या कमिटमेंट कर दी, मैं इसके साथ कैसे निभाऊं, इसका तो खुद का डिप्रेशन खत्म नहीं होता है कहीं ना कहीं। सो वो यहाँ पे नहीं रहने वाला है क्योंकि इस इंसान ने खुद पे काम किया है और ये विश्वास करेगा आप पे, ये आप पे ना बहुत विश्वास करेगा, जिसे कहते हैं टोटली सरेंडर्ड फॉर्म में। और हम अपने पार्टनर से सिर्फ यही चीज चाहते हैं कि वो हम पे विश्वास करे, ठीक है। और वो हम पे विश्वास करता है तो कहीं ना कहीं हमें हिम्मत देता है कि हम भी खुद पे विश्वास करें और हम भी उस पे विश्वास करें। तो ये इंसान बिल्कुल ही एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ, बिल्कुल ही जिसे कहते हैं आंखें बंद करके विश्वास करेगा आपके ऊपर। आप भी इसके विश्वास पे खरे उतरना और अपने पास्ट के ट्रोमास को बीच में बिल्कुल भी आने मत देना, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान कहीं ना कहीं आप पे ना रहम दिल हो गया है कि इस इंसान को आपकी लाइफ में भेजा है। कितनी प्यारी सी एनर्जी है, कितना प्यारा सा ओरा है, कितना प्यारा यहाँ पे दिखाई ना, कितना कितना अच्छा कुछ कितना दिखाया है, एक ओरा ही कितना पॉजिटिव है इंसान का, एक अच्छा इंसान, एक भला इंसान, अच्छे इंसान से भी ज्यादा मैं अगर बोलूं तो कहेंगे भला इंसान है ये, ठीक है, भोला भी है और भला भी है। सो गाइज, इसके भलेपन का, इसके भलमानसी का, इस भोलेपन का ना फायदा मत उठाइएगा, क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी पहले ये हो चुका है और हो सकता है अगर आप भी इसके साथ ये करें चालबाजियां तो ये सहन ना कर पाए, ठीक है। तो ये एक नेमत है भगवान जो आपको दे रहे हैं, भगवान को शुक्रिया कीजिएगा, एक ऐसा इंसान जिस पे आप भी लाइफ लॉन्ग ट्रस्ट कर सकते हैं और चाहे तो इसको अपना सोलमेट बना सकते हैं, मैरिज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी छुपा हुआ दबा हुआ इस इंसान के अंदर नहीं है, जो है वो आपके सामने ही है। और इस इंसान के आपकी लाइफ में आने के बाद, अगर तो ये कार्ड ना आता तो मैं इसी में एक्सप्लेन करती, लेकिन अब ये दूसरा कार्ड भी साथ में ही आया है कहानी बताने के लिए कि
इस इंसान के आपकी लाइफ में आने के बाद ना, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे कि आपको फील होगा कि हाँ ये इसी के आने के बाद हुआ है मेरी लाइफ में। क्योंकि किसी इंसान का ऑरा इतना स्ट्रोंग होता है कि चीजें इस तरह से हमारे साथ होती हैं, घर में बरकत होना, रिलेशनशिप में बरकत होना, सब जगह एक अच्छा सा एस्पेक्ट हो जाना, सब जगह सब पॉजिटिव होने लगना जो कि बहुत नेगेटिव हो रहा था कहीं ना कहीं। सो आपको ना इस चीज पे यकीन आएगा कि ये इंसान में ना कुछ जादूगरी है, कुछ जादू है, कुछ करिश्मा है इस इंसान में ना। अब ये लेडी भी हो सकती है, ठीक है, और जेंट्स भी हो सकते हैं, जो भी आपका जेंडर है जिस हिसाब से आप देख रहे हैं। लेकिन कुछ ना कुछ जादुई शक्तियां ही, अब मैं इनको कहूंगी, कुछ मिस्टिकल पावर्स, कुछ मैजिस्टिक सा, कुछ मैग्नेटिक सा एस्पेक्ट लेके ना ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। हो सकता है इसे खुद भी ना पता हो कि इसके अंदर ये है, लेकिन जब ये आपकी लाइफ में आएगा और आपके साथ रहेगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सर्टन कुछ ऑरा है, कुछ एनर्जी फील्ड्स हैं इस इंसान के ना, जो चीजों को हील कर देता है। कहीं ना कहीं इस इंसान में हीलिंग पावर भी होगी, ये खुद को भी हील करेगा, आपको भी हील करेगा। यहाँ पे देखिए इन्फिनिटी का सिंबल है यहाँ पे, कि इन्फिनिटी वाली चीजें हैं इसके पास, यानी कि इन्फिनिट विजडम, इन्फिनिट कहीं ना कहीं फाइनेंसेस। तो इसके आने के बाद हो सकता है फाइनेंसेस के आपके रास्ते खुल जाएं, आपका काम बढ़ जाए, ठीक है, आपको पैसे का कोई ऐसा रिसोर्स मिले जो आपके सामने ही था पर आप काम नहीं कर रहे थे, कोई नए आइडियाज पे आप काम करने लगे। सो इस इंसान के आपकी लाइफ में आने से आपको खुद को ये पता चलेगा कि आप बहुत चीजों में कैपेबल हैं, कहीं ना कहीं आपकी पावर्स को, आपके पोटेंशियल को इन्वोक करेगा ये इंसान। इस तरह का एनर्जी फील्ड भी है इस इंसान का। सो बहुत प्यारा सा, भला सा, भोला सा है यहाँ पे, और यहाँ पे कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। और सॉरी, एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्या होते हैं कि पैशन के कार्ड होते हैं। तो इसका जो फील्ड है, एनर्जी फील्ड है, ऑरा है, वो पैशनेट भी होगा। मैंने कहा ना ये रोंदू सा इंसान नहीं होगा कि रो रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, एक स्ट्रांग पर्सन होगा, क्योंकि ये अपने ऊपर काम करके ना स्ट्रांग बन के आया है, और आपको भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा इसके साथ रहने के लिए। एक स्ट्रांग सा इंसान है, एक ऐसा एक रिश्ता होता है ना, एक रिश्ता होता है, आप एक रिश्ता जोड़ते हैं, ठीक है, उसमें वो सामने वाला पार्टनर आपको ऐसा मिल जाता है कि वो ना तो आपको कुछ करने देता ना खुद कुछ करता, लंबी लंबी फोन पे बातें, लंबी लंबी रोना, लंबा लंबा सब कुछ ड्रामा, ठीक है, आपको पता चले बात सीधे चढ़ भी नहीं रही है और फालतू में मैं इसका थेरेपिस्ट बन गया हूँ। मोस्टली लोग ना रिलेशनशिप में ना अपने पार्टनर से ना थेरेपी चाहते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, वैलिडेशन, थेरेपी, इस तरह का। तो इस तरह का यहाँ पे नहीं है, ये इंसान खुद भी अपने करियर पे बहुत फोकस करेगा और आपको भी कहेगा कि आप अपने करियर पे फोकस करो। ये इस इंसान का ऐसा नहीं होगा कि हाँ तुम मेरे लिए गुलाब का फूल नहीं लाए तो चलो बैठ के लड़ते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें एक समझदार इंसान के सारे गुण हैं, ठीक है, समझदार, लाइफ को बहुत अच्छे से जानने वाला, समझने वाला, ठीक है, और काम करने वाला, काम का, पैशन का एस्पेक्ट बहुत होगा। करियर का भी यहाँ पे है कि इसके आने से आपके करियर में ग्रोथ होगी, क्योंकि ये इंसान को ना ये चाहिए कि आप भी ग्रो करो, ये भी ग्रो करे, आप भी ग्रो करे, ठीक है। तो सोच समझ के इसके साथ आगे बढ़िएगा कि वो जो पेटी थिंग्स है ना, शायद इसको अपील ना करें, वो जो पेटी थिंग्स हैं, शो शायद बहुत बार हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें लव लेटर लिखे, हमसे बहुत लंबी लंबी बातें करें, गिफ्ट दे, सरप्राइज दे, तो शायद उस तरह का एस्पेक्ट ना ये इंसान बहुत ज्यादा फुलफिल ना कर पाए, क्योंकि वो सारी इमेच्योर जो चीजें हैं ना, इमेच्योर को ये छोड़ के आया है और मैच्योर पर्सन है कहीं ना कहीं, और बहुत अच्छे से आपको रखेगा। और बहुत, और एक होता है ना एक इंसान की डांट भी देता है, अगर आप गलती करते हो ना तो आपको बता भी देता है, डांट भी देता है, समझा भी देता है, तो उस तरह का है कि आप इस पर रिलाय कर सकते हैं, और ये कहीं आपको गलत रास्ते पे लेके नहीं जाएगा और हमेशा आपको रोकेगा गलत पे जाने से, और खुद भी अपने करियर पे बहुत फोकस्ड होगा और आपको भी करियर पे फोकस करने के लिए फोर्स करेगा। हाँ, मैं यही वर्ड यूज करूंगी, फोर्स करेगा। तो सोच समझ के इसके साथ आगे बढ़िएगा, कमिटमेंट मिलेगी यहाँ पे, ठीक है, और एक आपको ठहराव मिलेगा कहीं ना कहीं, एक मतलब मैच्योरिटी मिलेगी और एक फुलिश चीजें कम मिलेंगी, और मतलब कमिटमेंट वाले रिलेशनशिप में अगर आपने जाना है, शादी ही करनी है, सोच ही लिया है कि अब सेटल डाउन होना है, तो ही इसको ऑप्ट कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, वही सब जो मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है कि इस इंसान का ऑरा बिल्कुल एक राजा के जैसा है, ऑलरेडी आ चुका है, किंग ऑफ कप्स है, कहीं ना कहीं ये इमोशंस में भी राजा की तरह बिहेव करेगा, यानी कि बहुत अच्छा इमोशनल एस्पेक्ट, बहुत प्यार से आपको रखेगा, बहुत प्यार देगा, बहुत प्यार है इसके पास,
और आपको समझेगा, और कहीं ना कहीं इसके आने से या इसका इस तरह का कुछ होगा, या हो सकता है इस तरह की डेजिग्नेशन पे हो बंदा कि बहुत अच्छे से पहले ही वेल सेटल्ड हो कहीं ना कहीं और एक राजा की तरह फील करता हो, ठीक है, या हो सकता है ये इसका अपना ऑरा हो और ये इससे बहुत कुछ बनाए। लेकिन यहाँ पे पेंटेकल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा आई है, लव की हम रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस इंसान की आपकी लाइफ में आने से कहीं ना कहीं खुशहाली, अब इसको पेंटिकल्स की जो एनर्जी है वो होती है खुशहाली, तो खुशहाली लेके आएगा ये इंसान आपकी लाइफ में ढेर सारी। और कुछ हम गाइडेंसेस लेंगे ओशो से, ओके, सो देखते हैं यहाँ पे गाइडेंसेस क्या हैं। ये मैंने पहले भी बोला है आपको कि आपने ना इस इंसान के साथ बहुत चतुराई चालाकी इस तरह का एस्पेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा तो कुछ इस तरह के ऑरा में आएगा, बिल्कुल ही इनोसेंट होके, इनोसेंस इज दी वर्ड, ठीक है, तो ये बिल्कुल ही इनोसेंट होके आपकी लाइफ में आएगा, तो आप भी इसके साथ इनोसेंटली पेश होइएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत कुछ झेल के आया है। अगर आप इसके साथ वही कहानी रिपीट करेंगे थ्री ऑफ सोर्ड्स वाली, तो ये झेल नहीं पाएगा, ये आप सोच समझ के कीजिएगा। एंड द बर्डन, कहीं ना कहीं आप इसके साथ रह के ना बर्डन फ्री फील करेंगे, ये आपके बर्डन को उतार देगा, जो बोझ है ना आपके मन पे, आप भी कहीं ना कहीं इसको बता के ना, जैसे कहते हैं कि मैं कितना रिलीव फील कर रहा हूं, मैं कितना हल्का फील कर रहा हूं, जब आपके सिर पे से कोई बोझ उतारते हैं तो आपको हल्का फील होता है, सो आप इसके साथ वो ही फील करेंगे। ट्रैवलिंग है, बहुत सारा घूमेंगे फिरेंगे आप लोग ना साथ में, घूमने फिरने के प्लान आपके बहुत बनेंगे, या हो सकता है ट्रैवलिंग पे आप कहीं हो तो ये इंसान आपको मिले, ये भी हो सकता है। और एक्सपीरियंसिंग, ये अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस आपको बताएगा, आप इसको बताएंगे, आप एक दूसरे के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखेंगे। आपकी रीडिंग में ये चीज मुझे पहले भी फील हो रही थी कि ढेर सारा आप दोनों ही वाओ एक्सपीरियंस करके आए, आई मीन वाओ दिस इज द रियल डील। सो इस तरह की होने वाली है आपकी लाइफ इस इंसान की आपके लाइफ में आने के बाद। आपके मैंने बहुत सारे कार्ड्स पहले भी पढ़े हैं, पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है, और ये होता है एम्प्रेस का कार्ड, ठीक है, इसको यहाँ पे फ्लावरिंग बोला है ओशो डेक में, अदरवाइज ये एम्प्रेस का कार्ड होता है। और एम्प्रेस एक ऐसी एनर्जी है जिसे बरकत कहते हैं, रहमत कहते हैं, हाँ, कि बहुत रहमत है, बहुत बरकत है, और फ्लावरिंग है यानी कि फल फूलना, फलना फूलना, बहुत ही फलेंगे फूलेंगे। इस इंसान से अगर आप शादी भी करेंगे ना, अगर शादी भी करेंगे तो आपके घर में बरकत होगी, बहुत फलेंगे फूलेंगे, बहुत ही अच्छी और मतलब बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी, अबेंडेंस इस तरह का ये लेके आ रहा है इंसान आपकी लाइफ में। और यहाँ पे कुछ गाइडेंसेज हम मून से लेंगे, क्योंकि हमारी जो रीडिंग है वो है थोड़ी इमोशंस वाली रीडिंग हम कर रहे हैं, सो मून्स हमें अच्छे इमोशंस के बारे में बताते हैं कि इमोशनल एस्पेक्ट में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, तो जो भी आपके ड्रीम्स है ना, अब मैंने बोला ये इंसान ना आपको बोलेगा कि आप अपने सपनों पे काम करो, आप अपने करियर पे फोकस दो, आप अपनी लाइफ को वैसा बनाओ जैसा चाहते हो, ठीक है। सो इस इंसान के आपकी लाइफ में आने के बाद ये आपको बोलेगा, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, कि अपने सपने पूरे करो, भाई सपने पूरे करने के लिए ही होते हैं, होल्ड योर विजन, ये दोनों एक ही बात है, कि जो भी आपने सपने देखे हैं लाइफ में उनको, उस विजन को और होल्ड करके रखिए, विजुअलाइज कीजिए, कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए है कि आप विजुअलाइज करें जो भी आप बनना चाहते हैं, होना चाहते हैं। एंड वर्क थ्रू योर फियर्स, जो भी आपके डर हैं, बहुत बार ना हमारे डर होते हैं कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, या मैं एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगा, बहुत तरह के डर हैं हमारे, ठीक है, सो उन पे काम करना है, विजुलाइज करना है, फेथ रखना है, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, क्योंकि जो भी चीजें होने वाली है एनर्जी उनके लिए मोमेंटम गेन कर रही है, सो टिल देन हैव फेथ। और एक दो गाइडेंसेस हम यहाँ पे लेंगे एंजल से, ओके So, यहाँ पे ना कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी है। सो कॉम्प्रोमाइज क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज जो वर्ड है ना उसको हम नेगेटिवली लेते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना बहुत बुरी बात है, नहीं, ये देखिए बैलेंस है यहाँ पे। कॉम्प्रोमाइज क्या होता है, बैलेंस। अब बहुत सारे वर्ड्स हैं जो ठीक ठाक है, अच्छे खासे हैं, लेकिन हम लाइफ में उन्हें ऐसे यूज करते हैं कि वो हमें नेगेटिव लगने लगे, तो कॉम्प्रोमाइज एक पॉजिटिव वर्ड है, यानी कि दोनों की जीत,
तो यहाँ पे आपने है कि इस लव रीडिंग में जो आपने सुनी सारी बातें, जो भी आपका पार्टनर है, जो भी नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर किया है, फ्यूचर में आप उसके साथ क्या एस्पेक्ट रखेंगे वो आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस ये है कि आपको कॉम्प्रोमाइज के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि इस इंसान का ऑरा और एनर्जी फील्ड आपने देख लिया है, ये गलत बात पे रोकेगा, टोकेगा, डांटेगा, और कहीं ना कहीं आपको जहां आप गलत होंगे ना वहां कंट्रोल भी करेगा। हाँ ठीक है, जहां आप गलत राह पे चलेंगे आपको पकड़ के ना बिल्कुल सीधी राह पे लाएगा। सो इसके साथ ना आप वो पेटी गेम्स नहीं खेल पाएंगे, इसको बुद्धू नहीं बना पाएंगे कहीं ना कहीं। सो कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी है कि दोनों की चलेगी, अब कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे ये है कि दोनों की चलेगी, दोनों अपने मन की बात कहेंगे, दोनों अपना चलाएंगे, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में ऐसा नहीं रहेगा कि एक पलड़ा भारी है और एक पलड़ा हल्का है। ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट बैलेंस के साथ आपको चलना पड़ेगा, पेटी गेम्स मत खेलिएगा। और यहाँ पे है बी असर्टिव, यानी कि जो भी आपको कहना है इस इंसान के साथ आप बिना किसी संकोच के कहें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये होगा वो होगा, अपने मन में ही अज्यूम करते रहें। सो आपको साफ साफ अपने मन की बात इस इंसान से कहनी है। एंड रोमांस है भाई, हर भर के रोमांस है, रोमांटिक पार्टनर है आपका, बहुत अच्छे से प्यार से आपको रखेगा, रहेगा। और थ्रू आउट द रीडिंग आपने कोई चीज सोची होगी, कोई डाउट होगा आपको, बहुत बार सेल्फ डाउट होता है, बहुत बार पार्टनर के बारे में कोई डाउट होता है, सो उसके लिए नो है कि नहीं, वो जो डाउट है आपको ऐसा कुछ भी नहीं है, इस तरह की चीजें यहाँ पे नहीं है। और एक दो चीजें ना मैं आपके लिए खुद से देखूंगी कि क्या है डिवाइन इस रिश्ते के थ्रू आपको क्या गाइड कर रहे हैं या क्या ब्लेस कर रहे हैं, वो भी हम देखेंगे। विश फुलफिलमेंट है गाइज, अगर तो आपकी विश ये इंसान ही है जो हमने रीडिंग की है, इस तरह का इंसान आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो गॉड आपको कहीं ना कहीं डिवाइन जो है आपको कह रहे हैं कि आपकी विश फुलफिल कर दी गई है, या हो सकता है इसके अलावा आपकी कोई विश हो करियर में, क्योंकि मुझे यहाँ करियर का एनर्जी भी बहुत फील हुआ है, और फाइनेंशियल एनर्जी, पैसे का एनर्जी बहुत फील हुआ है, अगर उसके रिगार्डिंग कोई चीज़ है तो इस इंसान के आपकी लाइफ में आने से वो विश फुलफिल हो जाएगी। क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी, डाइट है, थोड़ा डाइट का ध्यान दें आप, घर का बना हुआ हेल्दी ताजा फूड ही खाएं, बाहर का खाना कम खाएं, और ग्राउंडिंग करें। यहाँ पे क्या है कि आपके केस में भी बहुत ज्यादा यहाँ पे एस्पेक्ट आया था कि आप भी हार्ट ब्रोकन हैं, आपके साथ भी धोखेबाजियां हुई हैं, आपके साथ भी रिलेशनशिप्स के इश्यूज रहे हैं, तो आप ग्राउंडिंग करें, यानी कि जमीन का कोई भी काम करें, जमीन पे बैठें, जमीन पे नंगे पांव चलें, ठीक है, इस तरह का करें। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही समझाया था कि इस तरह के लोग अभी भी आपके आसपास हैं, ठीक है, और ये हैं और ये हमेशा रहेंगे, क्योंकि बहुत बार लोग हमारे साथ रिलेशनशिप में ऐसे होते हैं कि जब तक ये लाइफ है वो हमारे साथ रहेंगे, ये दोबारा से आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कर सकते हैं, ये दोबारा से आपका ब्रेन वॉश कर सकते हैं, ठीक है, ये आपकी लाइमलाइट, अटेंशन, इस तरह की चीजें चोरी कर सकते हैं, चोरी के भी कार्ड होते हैं, चोर भी हैं इस तरह के लोग ना, जो अलग अलग तरीके से चोरी करते हैं कहीं ना कहीं। सो इनसे आपको सावधान रहना है, अपने इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं आपको इन लोगों से बचाना है, ठीक है, अपने रिलेशनशिप को इन लोगों से बचाना है, ठीक है। अब मैंने आपको काफी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन दे दी है आई थिंक। सो ये आपकी रीडिंग थी गाइस, आई होप आपको पसंद आई होगी, तो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कहाँ कहाँ कैसे कैसे कितना कितना आप लोगों ने रेजोनेट किया है, ठीक है। आप रीडिंग को शेयर कर सकते हैं किसी के साथ, ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट जरूर कीजिएगा मुझे ना रीडिंग आपको कैसी लगी है, आपके कमेंट पढ़ के मुझे अच्छा लगता है, हिम्मत होती है, हिम्मत बनती है कि हाँ मैं नेक्स्ट रीडिंग बनाऊं। आप कमेंट में मुझे नेक्स्ट रीडिंग के रिगार्डिंग ना बता भी सकते हैं, क्योंकि ये भी किसी ने बोला ही था या काफी लोगों ने जब बोला तो ये रीडिंग सामने आई है। अगर आप किसी पर्टिकुलर बारे में, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइए मुझे, मैं जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पे वीडियो लेके आने की कोशिश करूंगी। सो गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए।